गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ कॉमन एरर्स के बारे में। ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ए बी सी डी के पैटर्न्स पे दिया होता है। एक सेंटेंस होता है, उसमें आपको देखना होता है कि कौन सा पार्ट उसमें रॉन्ग है, वही आपका आंसर होता है। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। आइए इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या एरर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नाइदर द माउस नॉर द लायन वर कॉट। तो इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकल आप फैक्ट चेक कर लीजिए। ध्यान दीजिए, आंसर करने के लिए ट्रांसलेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस आपको ग्रामर की नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें क्या है, नाइदर, तो ध्यान दीजिएगा कोई भी सेंटेंस अगर आइदर और हो या फिर नाइदर नॉर हो, आइदर और हो या फिर नाइदर नॉर हो, तो उसके साथ जो ये हेल्पिंग वर्ब लगता है वो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। इसमें दूसरा सब्जेक्ट क्या है, लॉइन। क्या लॉइन सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। तो लॉइन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वज हो जाएगा। तो आइदर और या फिर नाइदर नॉर में हमेशा हेल्पिंग वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत छोटा सा एरर है। सपोजिंग और इफ दोनों ही एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो आप यहाँ पर सपोजिंग लगाइए या फिर इफ लगाइए, दोनों में से कोई एक लगाइए। तो यहां से आप या तो सपोजिंग को हटा दीजिए या तो इफ को हटा दीजिए, किसी एक को हटा दीजिए और एक रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ही एज वेल एज यू लाइक टू गो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। ध्यान दीजिए, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें एज वेल एज लिखा हो, अलॉन्ग विथ हो, टुगेदर विथ हो, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, अगर ये आते हैं तो ध्यान दीजिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। इसमें पहला सब्जेक्ट क्या है, ही चूंकि एक सिंगुलर है इसलिए यहां पर लाइक ना होकर ये लाइक्स हो जाएगा, क्योंकि लाइक प्लूरल होता है, यानी अगर यहाँ पे यू होता वी होता तो यहाँ पे लाइक सही था, लेकिन ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हमें एस या एस जोड़ना पड़ेगा। तो ही सिंगुलर इसलिए यहाँ एस मैंने लगा दिया, ये लाइक के जगह पे लाइक्स हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट समझिए, इट वॉज हीम हु केम इन टू द क्लासरूम। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, एक माइनर मिस्टेक है, हीम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस न होकर एक सब्जेक्टिव केस होगा, ही होगा, इट वॉज ही, यानी एक पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राम वॉज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। ध्यान दीजिए, डिग्रियाँ तीन तरह की होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपेरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जैसे एग्जाम्पल समझिए, गुड, गुड मतलब अच्छा, पॉजिटिव डिग्री हो गया। कंपेरेटिव डिग्री बेटर, बेटर मतलब उससे अच्छा, ये हो गया हमारा कंपेरेटिव डिग्री। थर्ड है हमारा बेस्ट, बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगाना कंपलसरी है, अगर नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन, टी एच ए एन देन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ देन ना लगाकर टू का इस्तेमाल किया जाता है, वो देखिए वर्ड क्या है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सीनियर, तो सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर, पोस्टेरियर, प्रियर, इन सबको अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि इनके साथ देन न लगाकर क्या लगाया जाता है, टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यह सेंटेंस सही है। क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट समझते हैं, आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। अब इसमें एरर क्या है समझ लीजिए, अवेल, अवेल ऑफ, अगर अवेल ऑफ यानी अवेल आया हुआ है सेंटेंस में और सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, तो ध्यान दीजिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आता है, यानी ये सेंटेंस सही करने के लिए क्या होगा, आई अवेल्ड, अब आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ और उसके साथ ऑफ, यानी अवेल ऑफ होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। तो मैंने क्या क्या, आई टोल्ड हिम दैट आई
availed myself of the opportunity. तो अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑफ का इस्तेमाल होगा. इज दैट क्लियर? जब सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में हो. नेक्स्ट समझते हैं. आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट बाय द डायरेक्टर. इसमें एरर क्या समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आसान है, समझिएगा. सेंटेंस में अगर हैव हो या फिर गेट हो, पॉजिटिव वर्ब्स में आते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स हैव या फिर गेट, तो आने वाला जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में होता है. यानी गेट और हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है. तो ये अटेस्ट ना होकर क्या हो जाएगा? अटेस्टेड हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं. The captain along with his team are practicing very hard. देखिए सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ थर्ड में दिया था. Along with तो मैंने बताया था कि जब along with together with ये सब चीजें as well as आती हैं, तो इनके लिए जो है जो first हमारा subject होता है इसके according helping verb लगता है. अगर first subject singular हो तो singular helping verb, और first subject जो है plural हो तो plural helping verb. The captain क्या है? Singular है, इसलिए यहाँ पर are ना होकर क्या हो जाएगा? Is हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट देखिए. संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस. बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इसका आंसर एक सेकंड में कर सकते हैं. देखिए प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रधानाचार्य होता है या फिर मुख्य होता है. तो यहां मुख्य के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहां बात हो रहा है इस प्रिंसिपल के बारे में, यानी सिद्धांत के बारे में. इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य या फिर प्रधानाचार्य. तो यहां पर ये प्रिंसिपल ना होकर ये प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे. संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस, यानी वो अपने सिद्धांतों पर जीता है. क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चन थे. इसी तरीके से बीच बीच में कॉमन एरर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे. आप सारे मेरे कॉमन एरर्स के वीडियो को देखिएगा, यकीन मानिए अगर आप सारे वीडियो को देखते हैं तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इन सारे यूजेस में सेंटेंसेस में मैं कोई ना कोई फैक्ट जरूर देता हूँ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.